की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। हरिद्वार में जिस एरिया में मैं रहता हूँ और जो एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, ये बीएचएल का एरिया है। अगर आपने ये एरिया नहीं देखा तो आप कल की वीडियो भी देखिए, वीडियो को आप देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा कि ये एरिया कैसा है। तो गाइस ये जो एरिया है ये अराउंड 7-8 किलोमीटर का एरिया है। इस एरिया में मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे फेमस मंदिर है यहाँ के वो आपको दिखाने वाला हूँ। चलो फिर ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ के सारे वीडियोज और सारे मंदिर जितने भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है जो बीएचएल एरिया के अंदर में आते हैं। तो चलो फिर, और वैसे भी यहाँ गाइस ये देवभूमि है और देवभूमि में देवों का वास नहीं तो फिर फायदा क्या है। तो देवभूमि में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आज अपने नज़दीक के एरिया के सारे मंदिर। और जो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ माइक, ये आपको मैंने कल इसका रिव्यू दिया था, ये वाला माइक JBL कंपनी का। चलो आज करूँगा सारा ब्लॉग, दिखाऊँगा आपको कैसा कैसा यहाँ का माहौल है। बट आप इसे अगर लेना चाहते हैं तो आप इसे लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे वीडियो में और आपको मंदिर के दर्शन दिखा देता हूँ, मंदिरों का दर्शन करता हूँ, करवाता हूँ और फिर आगे वीडियो में मिलता हूँ और थोड़ा आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बैकग्राउंड और मुझे जाना है इस साइड पर। ये जो रास्ता दिख रहा है इस वाला रास्ता दिखाऊँगा और सामने यहाँ पर मंदिर है, सबसे पहले मंदिर उसी को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मिलेंगे वीडियो में। ये मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे चारों तरफ का। ओके गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। इस सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर मंदिर है और ये रास्ता है वहाँ का जाने के लिए। और ये साइड में इसके आप ये देख सकते हैं साइड, अभी मॉर्निंग का टाइम है, यह देख रहे होंगे आप सूर्य उदय हो ही रहा है यहाँ पर अभी। ये देखिए गाइस, और ये सामने मंदिर है। तो फ्रेंड्स, ये वाला है मंदिर, आपको मेन गेट दिखा देता हूँ इसका। ये मेन गेट, और चलते हैं हम आगे की तरफ। और ये है प्राचीन शिव हनुमान मंदिर, सेक्टर 4, BHL हरिद्वार। ओके गाइस, और इसके बाद चलते हैं हम आगे और मंदिर के व्यूज दिखाते हैं आपको। तो ये है एंटर पॉइंट, मंदिर का चारों तरफ का व्यूज है ये। तो ये है यहाँ पर मंदिर, ये देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मस्त वाला मंदिर है ये। संकट मोचन हनुमान जी का दरबार है यहाँ पर। ये अभी मंदिर बंद हो रखे हैं, आपको पता है कोविड के चक्कर में सारे के सारे मंदिर अभी बंद हो रखे हैं, खुले नहीं हैं, बट भगवान तो विराजमान है ही, है ना। तो ये फुल व्यूज है,
और ये हमारे पवित्र पेड़ जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, पीपल का पेड़। ये भी बहुत फेमस मंदिर है ये BHL के अंदर का। तो गाइस ये है मंदिर के अंदर का व्यूज। ये वाला एरिया हो गया कवर। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वाले एरिया पे और दूसरे वाले मंदिर को आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। वो भी बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही जबरदस्त वाला मंदिर है। तो वीडियो में बने रहिए और आपको आगे दिखाते हैं उस मंदिर को। तो फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं एक मेरा दूसरा मंदिर है, ये देखिए ये यहाँ पर दूसरा मंदिर है। मैं आपको आपको चल के दिखाता हूँ इसका मेन गेट और अंदर के व्यूज आपको दिखाता हूँ पूरे वीडियो में, बने रहिए। चलिए तो फ्रेंड्स ये है इस मंदिर का मेन गेट। और चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते आपको मंदिर के, करवाते आपको मंदिर के दर्शन। इस पिक को मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, एक तरफ पिक में एक तरफ है माँ सती की फोटो और घूमते घूमते हम इस तरह से निकलेंगे इसमें भोले शिव शंकर जगत के पालनहारी डमरूधारी। और आप जटा में देख सकते हो भोले शंकर की माँ गंगा विराजमान है। और तरफ बैक से दिखाता हूँ क्लियर। और ये है
हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस मंदिर का ये व्यू भी हो गया क्लियर, इसको भी हमने एक्सप्लोर करके आपको दिखा दिया है और मंदिर का अच्छे तरीके से दर्शन भी हो चुके हैं। तो चलो चलते एक मंदिर और है लास्ट वाला, उसको दिखाता हूँ, उसके बाद हम दिखाते हैं। ये दक्षेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर महादेव के नाम से है ये देखिए, और ये भी बहुत फेमस मंदिर है इस जगह पे। और आपको अंदर तक यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और इसके जस्ट अपोजिट में मैं चल के जस्ट अपोजिट में जो आपने पहले आगे मंदिर देखा उसके जस्ट अपोजिट में ये मंदिर है और ये उनकी आरती है। ओके गाइस, हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को हम करते हैं यही क्लोज। ये हमारा लास्ट मंदिर था जो हमने आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला मंदिर। बस के बाद हम मिलेंगे आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।